Hi students, today I am going to deal a very important character from the novel Godaan, and the name of the character is Dhaniya. So the question which is important for you is, evaluate the character of Dhaniya from the novel Godaan, or how is the character of Dhaniya as a representative of the woman of Indian rural society discuss. Kis prakar Dhaniya ek representative hai Bharatiya रूरल क्षेत्र देहाती क्षेत्र के औरतों की, ठीक है, डिस्कस करना है. आइए हम लोग समझते हैं. लेट अस सी द आंसर. द नॉवेल गोदान इज द मास्टरपीस ऑफ प्रेमचंद, हैविंग ऑल सच थीम्स लाइक पॉवर्टी, स्ट्रगल, अनटचेबिलिटी, प्री इंडिपेंडेंट सोशल सेटअप एंड सो ऑन ऑफ इंडियन सोसाइटी थ्रू द लीडिंग कैरेक्टर्स लाइक होरी, गोबर, राय साहेब एंड ऑल्सो सम अर्बन कैरेक्टर्स like Mr. Mehta, Miss Malti and so on. जो नॉवेल गोदान है बहुत ही मास्टरपीस माना गया है, एक उत्कृष्ट रचना है प्रेमचंद की, जिसमें इन सारे थीम्स को आप देख सकते हैं, चाहे वह गरीबी हो, संघर्ष हो, छुआछूत हो, या फिर स्वतंत्रता के पहले की सामाजिक स्थिति क्या थी इत्यादि. साथ ही साथ इनके लीडिंग कैरेक्टर्स इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, चाहे वह होरी हो, गोबर हो, राय साहेब हो, या कुछ शहरी कैरेक्टर हो जैसे कि मिस्टर मेहता, मिसेस मालती इत्यादि इत्यादि. बट द कैरेक्टर ऑफ धनिया इज रियली डिफरेंट. लेकिन धनिया का कैरेक्टर जो है बिल्कुल अलग है इन मेनी रिस्पेक्ट्स, बहुत सारे मामलों में, राइट. शी इज द वाइफ ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट होरी राम द फार्मर. वह होरी राम जो कि किसान है, उसकी पत्नी है, जो कि मुख्य पात्र है आपके गोदान का, यानी होरी राम, उसकी पत्नी है यह. शी इज अ ट्रू बेटर हाफ इन ऑल सेंसेस. हर तरह से देखा जाए तो वह एक सच्ची धर्म पत्नी है, अर्धांग. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हर कैरेक्टर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हम उसके कैरेक्टर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. आइए देखते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ, धनिया जो है एक बहुत ही जिम्मेदार पत्नी है. धनिया इज सच अ वाइफ हु ट्रूली सीम्स टू बी अ टिपिकल इंडियन वाइफ हु ज्वाइंस शोल्डर टू शोल्डर विद हर हस्बैंड होरी इन ऑल सिचुएशंस, आइदर हैप्पीनेस और सॉरो. धनिया एक सचमुच की ऐसी पत्नी है और ऐसी टिपिकल इंडियन वाइफ है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर हर सिचुएशन में उसके साथ रहती है, चाहे वह खुशी की बात हो या दुख का समय हो. शी नेवर क्विट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वह कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से हटती नहीं है. शी इज लाइक अ शैडो ऑफ हर हस्बैंड. वह अपने पति की एक छाया की तरह है, राइट. शी टेक्स केयर ऑफ ऑल हर फैमिली एट एनी कॉस्ट. अपने पूरे परिवार की वो देखरेख किसी भी कीमत पर करती है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, एज अ रिवेलियस लेडी. वह एक विद्रोही प्रवृत्ति की औरत है. कैसे? धनिया इज डिवोटेड टू हर हस्बैंड. धनिया जो है अपने पति के प्रति तो समर्पित है ही. होरी जो कि उसका पति है, एंड ऑलवेज सपोर्टिव टू हिम, और हमेशा उसका सपोर्ट करती है. बट एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, शी सजेस्ट और गेट्स एंग्री विथ हिम व्हेन ही सफर्स एवरीथिंग साइलेंटली. लेकिन वह बहुत गुस्सा होती है जब होरी सारी चीजों को चुपचाप सहता है, राइट. Unlike Hori, she is bold and strong and cannot tolerate injustice. वह होरी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि bold है, strong है और बर्दाश्त नहीं करती है अन्याय को. She raises her voice against injustice. वह अन्याय के खिलाफ वह अपना आवाज उठाती है. Against the wishes of Hori and irritates him. कभी कभी जब यह ऐसा करती है तो होरी उससे चिढ़ भी जाता है. She is vexed. वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है when Hori puts up with much operation from the money lenders and the Brahmin priest. वह बहुत ज्यादा चिढ़ती है जब उसे, यानी Hori को, बहुत सताया जाता है साहूकारों के द्वारा जो पैसे उसे देते थे, चाहे वह Brahmin priest हो उसके द्वारा, ठीक है. Hori though beats her at times for disobeying him. Hori कभी कभी अपनी पत्नी को पीटता भी है. Knows that her arguments are correct. और वह यह भी जानता है कि उसके जो तर्क हैं
वो सत्य है, वो सत्य कहती है। She makes him see the truth and the reality of facts. वह उसे दिखाना चाहती है कि वास्तविकता क्या है, और वास्तविक चीजों को होरी देख नहीं पाता है, इसके लिए वह बहुत परेशान रहती है, हमेशा उसे बताना चाहती है। Unlike him, she is not lost in riddles of customs and ideals. होरी की तरह वह रीति रिवाजों और आदर्शों में और उसके पहेलियों में खोई नहीं रहती है। She stands by what she thinks is correct and her dharma. वह हमेशा अपने धर्म और जो करेक्ट चीज है, सही चीज है, उसके लिए हमेशा डटी रहती है। Rather than the traditional principles of the community. वह ट्रेडिशनल प्रिंसिपल, जो समुदाय के सामाजिक रीति रिवाज हैं, उसके खिलाफ वो लड़ती है। फर्दर, शी इज अ वुमन ऑफ करेज। वह एक धैर्य वाली महिला है, बहुत उसके अंदर वो आत्मबल है। धनिया ऑलवेज शोज हर करेज टुवर्ड्स द इनजस्टिस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रिवेलिंग सिस्टम। वह हमेशा अपना साहस दिखाती है अन्याय के खिलाफ जो समाज में चल रहा होता है, जो प्रिवेलिंग सिस्टम है उस समय के समाज में रैम्पेंट है। When the village money lenders wanted Hori to borrow 30 rupees from them to give to the police inspector, Dhaniya could see through their villainy. जब गांव वाले होरी को फिर से फंसाना चाहते हैं, मनी लेंडर्स फंसाना चाहते हैं, जब इंस्पेक्टर उनके घर आता है और वह सर्च करना चाहता है हीरा के घर में, तो 30 रुपए उधार लेकर पुलिस इंस्पेक्टर को देने के लिए कहते हैं लोग, लेकिन धनिया वहां जो है वह उनकी इस विलेनी को समझ जाती है। और होरी वॉज अबाउट टू गेट मनी फ्रॉम झिंगूरी सिंह, होरी जो था वो झिंगूरी सिंह से पैसा लेने ही वाला था, लेकिन धनिया स्टैंड्स अगेंस्ट बिफोर ऑल एंड सेज, हियर वी ऑल आर स्टार्विंग एट होम लॉन्गिंग फॉर जस्ट अ ग्रेन ऑफ फूड विथ नथिंग टू वियर। यहां वह खड़ी हो जाती है खिलाफ, वह पैसे लेने नहीं देती है और वह कहती है कि यहां घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और मैं कहां से ये पैसे दूं। शी वॉज राइट टू से दैट शी हैड लॉस्ट द काउ वर्थ 100 rupees एंड वॉज येट टू पे 30 rupees टू द पुलिस टू अवॉइड द हाउस ऑफ हीरा बींग सर्च्ड। और वह कहती है कि एक तो 100 rupees का नुकसान हुआ है गाय की मौत से, दूसरी तरफ मैं 30 rupees कहां से दूं पुलिस को, ठीक है, ताकि हीरा का घर नहीं खोजा जाए, सर्च नहीं किया जा सके। Thus the freedom of mind and speech of Dhaniya save the home from paying an unnecessary amount of 30 rupees. इस तरह से धनिया जो है अपने घर का 30 rupees बचा लेती है, क्योंकि उसके freedom of mind और freedom of speech के कारण ऐसा संभव हो पाता है, ठीक है। Further, she is an affectionate woman. साथ ही साथ वह बहुत ही प्रेम करने वाली औरत है। धनिया एज अ मदर एंड मदर इन लॉ इज एन अफेक्शनेट एंड लविंग मदर। बहुत ही अफेक्शनेट है वह एक मां के रूप में, एक सास के रूप में। शी लव्स हर चिल्ड्रन बाय हार्ट, अपने बच्चों को बहुत हृदय से प्यार करती है। शी वीप्स व्हेन गोबर डिसाइड्स टू गो टू द सिटी, वह रोती है जब गोबर जो है वो शहर जाना चाहता है और जाता है। शी वेलकम्स प्रेग्नेंट झुनिया एज हर डॉटर इन लॉ डिस्पाइट All the troubles created by the society. यहां तक कि जब धनिया उस झुनिया को एक्सेप्ट कर लेती है जो कि प्रेग्नेंट है और उसे बहू मान लेती है, समाज के उन सारी समस्याओं के बावजूद जो क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए, और अपने घर में उसे रख लेती है। She gives shelter to Celia even who is माता दीन्स kept. यहां तक कि सेलिया को भी वह अपने घर में रख लेती है, जो कि माता दीन नामक एक आदमी है जो कि ब्राह्मण का बेटा है, दत्ता दीन का बेटा है, उसकी रखेल है, उसको भी अपने घर में रख लेती है क्योंकि वह बहुत कमजोर है, उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, समाज से तिरस्कृत है, राइट। इट शोज हर लार्ज हार्टेडनेस, यह दिखाता है कि उसका हृदय कितना बड़ा है। सो रियली शी इज एन अफेक्शनेट वुमन। एज अ विक्टिम ऑफ सफरिंग, वह हमेशा शिकार रही है दुखों की, और शी सफर्स विथ हर हस्बैंड एवरी बिट ऑफ लाइफ इन द हैंड्स ऑफ पॉवर्टी टॉर्चर मिसफॉर्च्यून एंड हॉरर ट्रेडिशंस। हमेशा जिंदगी में दुख भुगतने के अलावे उसके पास कुछ भी न रहा, चाहे वह गरीबी के हाथों वो परेशान रही, लोगों के अत्याचार से, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य के कारण, और हॉरर ट्रेडिशंस जो है खोखले रीति रिवाज है उससे हमेशा वो परेशान रही। शी हैज नेवर लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड पीस
स्टिल शी रिमेन्स काम एंड कूल। कभी भी उसे जीवन में शांति और आराम नहीं मिला, फिर भी हमेशा वह शांत रहती है, काम एंड कूल रहती है। इट शोज दैट शी इज अ वेरी प्रैक्टिकल वुमेन हु डज नॉट फॉलो द हॉलो कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी दो रिमेन्स अ विक्टिम ऑफ सफरिंग एंड स्ट्रगल। यद्यपि कि वह दुखों और संघर्षों से हमेशा जूझती रही है, उसकी शिकार रही है, फिर भी वह फॉलो नहीं करती है उन कस्टम्स एंड कन्वेंशंस को जो दकियानुसी विचार होते हैं समाज के, राइट? एज अ ड्यूटिफुल वुमन, कैसे वह एक कर्तव्यशील नारी है। थ्रू आउट द नॉवेल वी फाइंड हर स्ट्रगलिंग फॉर हर फैमिली एंड चिल्ड्रन। पूरे नॉवेल में हम पाते हैं कि वह अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती रहती है। इन द कोर्स ऑफ टाइम शी लूजेज हर हस्बैंड। एक समय ऐसा आता है जब अपने पति को भी खो देती है, जब होरी की मौत हो जाती है एंड लेफ्ट अलोन, अकेली हो जाती है। स्टिल शी टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड परफॉर्म्स द रिचुअल्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड टू हर कैपेसिटी। जितनी उसकी क्षमता होती है उसके आधार पर जितने भी रिचुअल्स हैं, धार्मिक चीजें हैं जो मौत के बाद की जाती हैं, श्राद्ध कर्म किया जाता है, वो अपने क्षमता के अनुसार करती है। शी ऑफर्स रुपीज 1 and 25 paise एज द प्राइस ऑफ अ काउ एज गोदान टू द प्रिस्ट। और अंततः 125 rupees निकालकर ब्राह्मण के हाथ में गोदान के रूप में उसे दान करती है। यहां गोदान का जो शीर्षक है इसी कारण रखा गया है। सो वह इसे पूरा करती है। शी नेवर फेल्स टू परफॉर्म हर ड्यूटी एट ऑल। कभी भी अपने कर्तव्यों के पालन में वह पीछे नहीं रहती। सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन इन हर कैरेक्टर, दस द कैरेक्टर ऑफ धनिया इज अ टिपिकल इंडियन वुमन। इसका जो कैरेक्टर है वह हम पाते हैं कि यही विचित्र और खास प्रकार की इंडियन नारी है, पत्नी है, मां है, सास है और एक ट्रू ह्यूमन बीइंग है, सच्ची नारी है, मानव है। बीइंग अवे फ्रॉम ऑल हॉलो कस्टम, जो कि अपने आप को दूर रखती है हॉलो कस्टम से और कन्वेंशन से एंड शॉवी ट्रेडिशन और जो भी दिखावा है समाज का उससे दूर रहती है। शी स्टैंड स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑल ऑड्स ऑफ लाइफ एज अ रॉक एंड सपोर्टर ऑफ हर हस्बैंड। वह हमेशा टिकी रहती है एक चट्टान की तरह अपने पति के सपोर्ट में किसी भी कंडीशन में। शी सफर्स थ्रू आउट हर लाइफ बट नेवर गिव्स अप। यद्यपि की पूरी जिंदगी सिर्फ समस्याओं में ही गुजार देती है, कष्ट में गुजार देती है, लेकिन कभी वो छोड़ती नहीं है लड़ना। शी सीम्स टू बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टिपिकल रूरल इंडियन वुमेन। और ऐसा लगता है कि सचमुच भारत के देहात के क्षेत्रों में भारतीय गांव में रहने वाली नारियों की वह एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नेतृत्व करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ धनिया वेरी वेल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट अगेन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।